महोदय सभी पदाधिकारीगण और पास ही में बधाए हुए और यहाँ के सभी जंगी भाइयों और सरकार बंधुओं, बहुत खुशी की बात है कि पर्यावरण के हित में पर्यावरण के उद्योगों को बचाने के लिए आप सबने अच्छी पहल करके काफ़ी समय से प्रयासरत हैं। मेरे पास पहले भी विधानसभा जब चल रही थी आप लोग गए थे, उस समय में माननीय मंत्री से और उद्योग मंत्री महोदय से जमीन सेक्रेटरी से उद्योग के हमारे सेक्रेटरी से सभी से हमने उनसे मिलाया और विधानसभा में मैंने आपकी बात को निश्चित तौर के ऊपर हमारी ये मंशा है कि निश्चित तौर के ऊपर सरकार के सामने कि आपकी बात को पहले भी रखी है, अभी भी हम यावर के उद्योगों को बचाने के लिए आपकी बात को संकट पर ये उद्योग जगत में अगर संकट गहराता है तो इससे राज्य को और साथ में ब्यावर उपखंड को क्या खतरा है? आज ब्यावर में राजस्थान के 14 उद्योग संगठन इकट्ठे हुए, इसमें सभी बिंदुओं में चर्चा हुई। अगर ये व्यवस्था लागू रहती है, खनिज बाहर जाता रहता है, तो ब्यावर में लगभग 800 इंडस्ट्री है, 800 इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। 800 इंडस्ट्री से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 1,00,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। 1,00,000 लोगों के साथ उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी, उद्योगपति वो बेरोजगारी हो जाएंगे। करोड़ों रुपए की जो 800 इंडस्ट्री, एक एवरेज यूनिट पे 5,00,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी महीने का बिल आता है, तो करोड़ों रुपए का इलेक्ट्रिसिटी का नुकसान है। जीएसटी के रूप में जैसे आज कच्चा माल जो जा रहा है उस पर 250 रुपये का 250 रुपये जीएसटी है, और जो यहाँ से तैयार माल जाता है उस पर 1,500 रुपये सरकार को जीएसटी मिलती है, तो करोड़ों रुपये के रूप में जीएसटी का भी सरकार को नुकसान है। इसके साथ यहाँ की लोकल ब्यावर का मिनरल व्यवसाय ही ब्यावर की धुरी है। अगर ये मिनरल व्यवसाय बंद होता है तो ब्यावर की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। इस मिनरल व्यवसाय से लाखों लोग किराने वाला हुआ, डॉक्टर हुआ, मकान के मालिक हुआ, अदर इंडस्ट्री जो भी है, दूध वाला हुआ, हर आदमी से जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं हर जनता, ब्यावर की जनता इफेक्टेड है। तो हमारी सरकार से यही मांग है, आज मीटिंग में तय हुआ कि इस खनिज को जाना बंद करें, नहीं तो पूरे राजस्थान की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। इसमें लगभग 20 से 25 विधानसभा इस उद्योग से जुड़े हुए हैं, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से 10 से 12 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आपके अगर मांगे नहीं मानी जाती तो आपका क्या करना है? जो हमने आज की मीटिंग में तय किया है, सर्वप्रथम हम 1 तारीख को यहाँ के एजीएम को पत्र लिखित में दे रहे हैं, सभी सामूहिक रूप से 4,000 उद्योग राजस्थान में है, कि हमारे विद्युत संबंध इस वजह से काट दिया जाए कि हम चलाने में सक्षम है, क्योंकि मिनिमम चार्ज 50 से 60 हज़ार नहीं चलाते तो भी आता है, तो आज इंडस्ट्री बंद है तो हम चला नहीं पाएंगे, इसलिए हमने विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने के लिए एएन को लिखते हुए मुख्यमंत्री जी को सूचना देने का तय किया है। दूसरा, इसके दरमियान हमारे को मुख्यमंत्री जी से मिलना है, मुख्यमंत्री जी का समय मिल जाता है तो हमारी बात उन तक रख देते हैं। मान लो इस बीच में कोई अड़चन आती है तो एक महारैली जयपुर में हमने करने का तय किया है, जिसमें हम कम से कम 1,00,000 की तादाद की संख्या में इकट्ठे होंगे। ठीक है, थैंक यू। लघु उद्योगों को बचाने के लिए इस संबंध में जो मीटिंग हुई है, मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने जितने भी जो उद्योग पूरे राजस्थान में लगे हुए हैं उन सबको बचाने के लिए पहल की है। और आपने तो ये पहल फरवरी और मार्च में भी कर ली थी, ब्यावर उसमें हमेशा राजस्थान में अग्रणी रहा है, और फरवरी मार्च में भी जब विधानसभा चल रही थी उस समय में भी आपने अपनी इसी मांग को वहाँ मेरे सामने भी रखा और मैंने आपकी बात को निश्चित तौर पर विधानसभा के अंदर भी मैंने उठाया कि ये लाखों की तादाद में और किसी के लाखों रुपए लगे हैं, किसी के करोड़ों रुपए के भी प्लांट लगे हुए हैं, ऐसे बड़े बड़े प्लांट भी लगे हैं, उन प्लांटों को उद्योगों को बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये रॉ मटेरियल बाहर चला जाएगा तो सरकार को उससे फ़ायदा नहीं है, बाहर ले जाने से सरकार को नुकसान है, सरकार को टैक्सों के अंदर नुकसान हो रहा है। जो रॉ मटेरियल जा रहा है वो इतना टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, ना रॉयल्टी दे पा रहे हैं, ना किसी प्रकार के जीएसटी और उसमें सब में फ़ायदा हो रहा है, कहीं पर भी सरकार को उल्टा नुकसान है और बेरोजगारी उद्योग बंद होने से बढ़ेगी। निश्चित तौर के ऊपर हमारी भावना है, मैंने पहले भी विधानसभा में इस बात को रखी थी, अभी भी मेरी यही भावना है कि ब्यावर के और क्षेत्र के सभी लघु उद्योग बचेंगे तो बेरोजगारी कम होगी और सरकार को भी फायदा होगा, राजस्थान को फायदा होगा, उद्यमियों को भी फायदा होगा। धन्यवाद। तो संकट गहराता जा रहा है, ऐसे में सरकार की सपना की मांग, हमारी राजस्थान सरकार से सिर्फ एक ही मांग है कि राजस्थान से जो कच्चा खनिज विशेष रूप से फेल्सपार जो किसी भी रूप में, चाहे वो दाना हो, लम्स हो, गिट्टी हो, जो बिना वैल्यू एडिशन राजस्थान से बाहर निकासी हो रही है उस पर तुरंत रोक लगाई जाए।
राजस्थान से सीधे सीधे कच्चे खनिज के बाहर जाने की वजह से हमारे यहाँ के 3000 उद्योग सीधे ही प्रभावित हो गए हैं और बंद होने के कगार पर हैं। हमने सरकार के सभी मंत्रालयों में और माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात कई बार पहुँचा दी और अब हम सब अंतिम रूप से सरकार से निवेदन करना चाह रहे हैं कि जो मांग हमने करी है राजस्थान से कच्चे खनिज फेल्डस्पार की निकासी पर रोक, उसके लिए वो तुरंत एक नोटिफिकेशन जारी करे और राजस्थान के 3000 उद्योगों को राहत। सरकार से हाल ही में जो मांग की गई है, आपका लगातार जो संवाद रहा है, ऐसे में सरकार की ओर से कोई बयान है? सरकार पॉजिटिव लग रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने फेसबुक पेज पे भी हमारी बात को डाला है कि राजस्थान से ये जो सोडा और पोटास फेल्डस्पार जो बाहर जा रहा है उसकी निकासी को रोक या उसके बारे में कोई ऐसा प्लान करे कि राजस्थान में रोजगार बढ़े, राजस्थान के उद्योग बढ़े। वो उस पर सक्रिय है और उन्होंने उद्योग विभाग के अधिकारियों को आदेश भी जारी किया, खान विभाग के अधिकारियों को आदेश जारी किया कि आप वस्तु स्थिति से उनको अवगत कराएं। तो अभी रिसेंटली 6 तारीख का उनका पत्र था सरकार का, तो जिला उद्योग महाप्रबंधक सभी जिलों के वहाँ से एक फीडबैक गया है एक फिक्स चार्ट के रूप में कि इंडस्ट्री किस तरह से प्रभावित हुई। वो अभी वहाँ पहुँच गया होगा और हम चाहते हैं कि उस पर त्वरित निर्णय। आपका नाम और पता? मैं सुरेंद्र सिंह, राजस्थान माइनर मिनरल उद्योग संघ का मैं प्रदेश संयोजक हूँ और ये सारी बात करने का जिम्मा संघ ने मुझे। ठीक है।